नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। नगर के चंडाक क्षेत्र में फिर दिखा गुलदार, वीडियो हुआ वायरल। पिथौरागढ़ नगर के चंडाक क्षेत्र में फिर से एक गुलदार का रात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि रात को चंडाक क्षेत्र में गुलदार अक्सर दिखाई देता है। इसको लेकर पूर्व में सभासदों ने प्रभागी वनाधिकारी से भेंट कर सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की मांग भी की थी। बीते दिवस भी प्रातः दौला वार्ड में एक महिला देवकी देगी पर गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया था। गुलदार की नगर क्षेत्र में दस्तक से लोग दहशत में हैं। हालांकि गुलदार के इस वीडियो में कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सुरक्षा के दृष्टिगत वन क्षेत्र अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी ने लोगों से चंडाक क्षेत्र में देर सायं तक आवाजाही न करने की अपील भी की है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो चंडाक रोड में पर्यावरण पार्क के निकट का बताया जा रहा है। यातायात के लिए अभी भी नहीं खुल सका चीन सीमा को जोड़ने वाला दारमा मार्ग। जनपद में आधे दर्जन से अधिक मार्ग बंद। पिथौरागढ़ जिले में बंद हुए मार्गों में जून माह से बंद चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट सोबला तिदांग मार्ग अभी भी नहीं खुल पाया है। जिले में मंगलवार की सुबह 10 मार्ग बंद हैं। मंगलवार को आलवेदर रोड में मीना बाजार के पास सुबह मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा। मलबा हटने के बाद यातायात सुचारू हो सका। जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र सहित अन्य इलाकों में कई स्थानों पर पूर्व मार्ग क्षतिग्रस्त होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाचनी के निकट बांसबगड़ घाटी के पौथी गांव को जोड़ने वाला मार्ग बह जाने से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। हालांकि मार्गों को खोलने के प्रयास संबंधित विभाग द्वारा जारी है। बारिश होने के कारण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ में 5.50 mm, गंगोलीहाट में भी 5.50 mm, बेरीनाग में 3.10 mm, डीडीहाट में 3.50 mm, मुनस्यारी में 13.40 mm और धारचूला में 25 mm बारिश हुई है। जिले में आधे दर्जन से अधिक मार्ग बंद हैं। जम्मू चौपाटी संघर्ष समिति के लोगों ने की काबीना मंत्री से भेंट। पिथौरागढ़ में जम्मू चौपाटी संघर्ष समिति के सदस्यों ने काबीना मंत्री बिशन सिंह चुपाल से भेंट कर क्षेत्र की समस्याओं को उनके सम्मुख रखा। इस दौरान मुख्य रूप से संघर्ष समिति ने कांडा गांव से 600 मीटर रोड जो वन भूमि का हिस्सा है उसे लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किए जाने का एक पत्र काबीना मंत्री को सौंपा, जिस पर काबीना मंत्री ने शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। काबीना मंत्री को पत्र सौंपने वालों में संघर्ष समिति अध्यक्ष कैप्टन हरीश चौसाली, मोहित चौसाली, मोनू, दीपक चौसाली, शंकरदा चौसाली, भोलेनाथ चौसाली सहित अन्य सदस्य शामिल थे। आप कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला फूंक किया आक्रोश व्यक्त। पिथौरागढ़ के गांधी चौक में आप कार्यकर्ताओं ने जागेश्वर धाम में यूपी के सांसद द्वारा पुजारी व मंदिर समिति पदाधिकारियों के साथ अभद्रता करने पर सांसद धर्मेंद्र कश्यप का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य यूपी व केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। पुतला दहन करने वालों में आप कार्यकारिणी सदस्य गोविंद बिष्ट, संगठन मंत्री गिरीश जोशी, चंद्रप्रकाश पुनेड़ा, शमशेर मेहर, जगदीश कलोनी, अशोक पांडे, सहदेव नाथ, रवि परिहार, दीपक कुमार, संजय कुमार सहित अन्य आप कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्णाहुति यज्ञ व भंडारे के साथ हुआ देवी भागवत कथा का पारायण। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाली हाट कालिका मंदिर में आयोजित देवी भागवत कथा का पारायण पूर्णावति यज्ञ व भंडारे के साथ हुआ। इससे पूर्व यजमान नैन सिंह रावल, गजेंद्र रावल, कमल रावल द्वारा पुरोहित दीप पंत व पंकज पंत के द्वारा मंत्र उच्चारण के बीच प्रतिदिन की भांति महाकाली की शक्ति में पंचामृत स्नान, देवी पूजन, अर्चन, वंदन व आरती के बाद विशेष पूजा अर्चना तथा पूर्ण आहुति यज्ञ, प्रवचन व कन्या पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूरी विधि विधान के साथ हुई शिव प्रतिमा की स्थापना। पिथौरागढ़ के पुराना बाजार स्थित भैरव शिव मंदिर में शिव की प्रतिमा की पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की गई। इस अवसर पर बसंत राय, राहुल भट्ट, भूपेश पंत, राजेंद्र रावत, शमशेर मेहर, अनिल मेहरा, किरण शाह, सुनील वर्मा, अनुलाल शाह, रामदेव वर्मा, त्रिभुवन लाल शाह आदि उपस्थित थे।
लाभार्थियों में वितरित हुए वात्सल्य योजना प्रमाण पत्र। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत एक दर्जन अनाथ बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वात्सल्य योजना का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, CDO अनुराधा पाल द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए।